हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि अगर कुछ गैप अप ओपनिंग होता है आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। आज अगर आप देखो तो गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पर, करेक्ट, और उसके बाद तुरंत एक फॉल हमें देखने को मिला है। 300-400 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेड फेवर में गया है 400 पॉइंट तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करोगे या आप स्क्रीन के सामने सिर्फ बैठे रहोगे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, करेक्ट। कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करने के बाद स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये जीवन आनंद पॉलिसी है, इसको होल्ड करना है। ये जीवन आनंद पॉलिसी नहीं है, इसको होल्ड करते नहीं रहना है कि मनीष सर ने बोला है शॉर्ट है तो शॉर्ट है। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ये कैंडल में। आप देख सकते हो यहां पर मैंने शॉर्ट किया था, ये ग्रीन कैंडल में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड एग्जिट कर दिया है। सेम निफ्टी में भी वही हुआ, बड़ा फॉल आया और ये लेवल पे ये कैंडल में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ यहाँ पे, करेक्ट। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, आप मेरा वीडियो देख लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी वीडियो मैंने दिया हुआ है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप करना सीख लो तो ही आप इंट्राडे में पैसा कमा पाओगे, वरना अगर आप होल्ड करते रहोगे तो बहुत मुश्किल है प्रॉफिट कमाना। मैंने आपको क्लियरली बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी में व्यू थोड़ा बेरिश रहेगा। उसके बाद जो ये मूवमेंट आया है, ये जो साइडवेज मूवमेंट था और उसके बाद जो ये अपसाइड मूवमेंट आया है, ये प्योरली बिकॉज ऑफ एक्सपायरी आया है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे था तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा। एक्सपायरी डे के कारण ये प्रॉफिट बुकिंग आया है। अगर आप डेली चार्ट देखो तो डेली चार्ट पे अभी भी स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है, आप देख सकते हो, करेक्ट। डेली चार्ट पे अभी भी स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है, बेरिश ही है, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब व्यू समझते हैं, अभी भी व्यू बेरिश है और मुझे लगता है अगर 10,550 टूटता है तो यहाँ से 10,300 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, तो 10,550 के नीचे काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा निफ्टी 10,550 के नीचे। बैंक निफ्टी 21,000 नहीं तोड़ रहा है, आज भी देखो आप 21,000 का लो बना के वापस ऊपर आया है। 21,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं आपको बार बार वीडियो में यही बोल रहा हूँ, लास्ट दो तीन वीडियो आप देख सकते हो। 21,000 अगर टूटता है तो 700-800 पॉइंट का करेक्शन हमें और देखने को मिल सकता है। सो 21,000 के नीचे बैंक निफ्टी बेरिश रहेगा और निफ्टी 10,550 के नीचे बेरिश रहेगा। अभी फिलहाल व्यू थोड़ा सा साइडवेज है, रेंज बाउंड है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे फिर वापस फ्रेश ब्रेकडाउन दे। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको ACC शॉर्ट दिया था, आज ACC ओपन हुआ था यहां पर ये कैंडल में, ठीक है। उसके बाद आप देखो तुरंत शार्प फॉल आया है। डोंट यू थिंक मैंने आपको जो टारगेट दिया वो अचीव हो गया? टारगेट दिया वो अचीव हो गया, आप देख सकते हो, करेक्ट। कई लोगों ने बोला कि सर हमारा लॉस हुआ इसमें। अगर आप शॉर्ट करने के बाद इसको सिर्फ होल्ड रख रहे हो और सिर्फ स्क्रीन देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप लॉस ही करोगे। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना था यहाँ पर, ये कैंडल में मैंने शॉर्ट किया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने फॉलो किया, दैट्स इट। मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ है, ये वाले कैंडल में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। भारतीय एयरटेल भी सेम केस था, भारतीय एयरटेल भी मैं आपको बता दूं, ये देखो भारतीय एयरटेल भी सेम केस था, भारतीय एयरटेल भी यहाँ पर ओपन हुआ, आप देख सकते हो 560 इसने ओपनिंग कैंडल में तोड़ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो 560 के नीचे गया भी है, 553 का लो बनाया है ये, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैंडल में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, 2 रुपए का प्रॉफिट मिला है। 560 पे शॉर्ट किया था, 558 पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट ट्रेड होता है, अगर आपको फास्ट ट्रेड नहीं जमता है तो आप प्रॉपर ट्रेड देखो, ये फास्ट ट्रेड आप अवॉइड कर दो। नेक्स्ट स्टॉक था एक्साइड इंडस्ट्रीज, मैंने आपको बाय दिया था लेकिन इसमें बाय लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ, आप देख सकते हो मैंने आपको बाय दिया था 157 के ऊपर, इसमें बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। अब डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक्स में कल के सेशन में ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा मुथूट फाइनेंस, मुझे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आज ये 1100 के ऊपर भी क्लोज हुआ है, बहुत दिनों बाद में हमें इसमें बाइंग देखने को मिली है, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा खासा क्लासिकल पैटर्न बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था और ये अब क्रॉस करने के चांसेस इसके ज्यादा। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, आप देख सकते हो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूँ तो ये देखो ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट क्लोज है, करेक्ट। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट रहेगा 1200 के टारगेट के लिए, तो पोजिशनली काफी अच्छा बाय रहेगा 1200 के टारगेट के लिए, इंट्राडे के लिए भी काफी अच्छा बाय रहेगा कल के सेशन में। सो मुथूट फाइनेंस काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक होगा बंधन बैंक, मुझे स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है, अगर आप देखो ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है हायर लेवल्स।
और मुझे लगता है यहाँ तक ही आ सकता है 315 320, तो यहाँ से 10-15 रुपये का फॉल और हमें देखने को मिल सकता है और ये कंटिन्यूसली फॉल ही हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा 320 के टारगेट के लिए, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा उज्जीवन फाइनेंस। उज्जीवन फाइनेंस भी अगर आप देखो, यहाँ पर एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक सिंपल मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है, ये 7-8 दिन का रेंज था करेक्ट, ये 7-8 दिन का रेंज अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो उज्जीवन फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा बाय रहेगा, कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। और एक मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लाइव मार्केट में मुझे स्टॉक क्वेरीज मत पूछो, क्योंकि लाइव मार्केट्स में मेरे भी पोजिशन होते हैं। मैं ट्रेडर हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि दिन में 5-6 वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। मैं ड्यूरिंग द मार्केट मेरी पोजिशन मैनेज करता हूँ और उसके मार्केट बंद होने के बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। ड्यूरिंग द मार्केट आप स्टॉक क्वेरीज मत पूछिए चैटबॉट पे। ये रिक्वेस्ट होगा कि 6:30 to 7, ये मैंने आपको आधा घंटे का टाइम फ्रेम दिया है, इसमें आप कोई भी स्टॉक क्वेरीज आपकी हो आप पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम चैटबॉट पे। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।